हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ। आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो आज इस डेक से मैं देखूँगी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशन क्या चल रही है आज के दिन में, करंट सिचुएशन आपके पर्सन की अभी इस वक्त। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द चैरियट। बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आए हैं। जिनके आए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिनके नहीं आए हैं आने वाले हैं। जस्टिस की एनर्जी है विद द चैरियट, डेफिनेटली कोई ना कोई जस्टिस आपको मिलने वाला है। वाओ, विक्ट्री की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कई लोगों को स्पिरिट एनिमल्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हों, स्पेशली ईगल, आउल, पीकॉक। इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव होने वाला है तो ये स्पिरिट गाइड्स आपको ज़रूर दिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं मनी माइंडेड हैं, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, लेकिन इस वक्त उनकी एनर्जी में पैसे से अलग टर्न आया है। सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपने वर्कहोलिक नेचर के अगेंस्ट जाकर कुछ ऐसे डिसीजंस लेना चाहते हैं जो कि आपके लिए हैं, आपके फेवर में हैं। क्लैरिटी देना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सन क्लैरिटी देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। किसी तरह का मैसेज या जेस्चर उनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। यहाँ पे कपल आ गया, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी के वजह से सेपरेशन में हैं, तो यहाँ पर सेपरेशन एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड वी हैव लास्ट कार्ड द टावर। यहाँ पर एग्जैक्टली सेपरेशन एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे यूनियन का। यहाँ पर काफ़ी समय से जो लोग वेट कर रहे हैं यूनियन का, उनका जो वेटिंग पीरियड है वो एंड होता नज़र आ रहा है। जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं वो पूरी होने वाली हैं। एंड मैसेज की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे, या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं। मैंने स्प्रेड ऐसा लगाया कि आपको सारे कार्ड्स दिखें, कोई इधर उधर ना छुप जाए, तो इसलिए मैंने टेढ़ा मेढ़ा स्प्रेड लगाया है, बट इट्स ओके। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग साइन सभी है गाइस। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद हमारे पास एयर साइन और फायर साइन भी है। तो सभी साइन है यहाँ पर। मेन साइन यहाँ पर कैंसर आया है, कैप्रिकॉन आया है, पाइसेस आया है, लिब्रा आया है। ये चार मेन साइन हैं जो यहाँ पर आए हैं। तो एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। प्लस यहाँ पर एक सॉलिड जो बेस है वो बनता नज़र आ रहा है। जैसे होता है ना कि पर्सन आया मैम लेकिन चला गया, आया दो दिन बाद ब्लॉक कर दिया, आया और फिर गया, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। इससे कई लोग परेशान हो जाते हैं कि मैम आता है तो टिकता क्यों नहीं है। तो इस बार ये आएंगे तो एक फर्म फाउंडेशन के साथ आएंगे, मतलब ज़्यादातर लोगों के पर्सन टिकेंगे भी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ आपको कुछ क्लैरिटी देंगे, मतलब आप जो बीच में अटके पड़े हो ना, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों के लाइफ में सेलिब्रेशन का कार्ड है। यहाँ पर ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं आई है जो ये बोले कि आपके पर्सन आके आपको नकार देंगे या आके आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो बता रही है कि आपके पर्सन आएंगे भी, टिकेंगे भी, क्लैरिटी भी देंगे और सक्सेसफुल रिलेशन रहेगा। आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, वो ख़त्म होने वाला है। साथ ही साथ मैसेज की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो करंट सिचुएशन आपके पर्सन की बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। देखते हैं करंट फीलिंग्स। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने ये जो छोटी मूर्ति रखी है ये किसकी है। ये माता की है, माता लक्ष्मी की मूर्ति है ये। कई लोग पूछते हैं मुझसे, शायद आपको क्लियर दिखता नहीं हो। तो ये माता हैं, कमल पर बैठी हैं और बहुत ही सुंदर मूर्ति है।
सो मेरी फेवरेट है माता लक्ष्मी की मूर्ति। मेरे कमरे में बहुत जगह माता लक्ष्मी का फोटो लगा हुआ है, दिवाली का ही लगा हुआ है। चलिए, गणेश, लक्ष्मी, माता सरस्वती तीनों जने का लगा है। माता गौरी सामने बैठी हैं, माता सामने ही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अभी हमने करंट सिचुएशन में भी देखा है, लेकिन करंट फीलिंग्स हम हमेशा अलग से भी देखते हैं, तो हम देखते हैं क्या एनर्जी सेम निकल कर आती है। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर, ओके, सेम ही है। देखिए, वहाँ से भी सक्सेस का कार्ड था, यहाँ से पहला कार्ड ही सक्सेस का है। तो वहाँ से आपने देखा होगा पीकॉक वाला कार्ड, वो सक्सेस का था, और यहाँ से ये कार्ड भी सक्सेस का है। आपके पर्सन बैलेंस चाहते हैं एंड द रीडिंग स्टार्ट्स विद 666, तो डेफिनेटली यहाँ बैलेंस एंड हारमोनी का नंबर है। वहाँ से भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थी, यहाँ से भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक सॉलिड डिसीजन के साथ आने वाले हैं। येस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी जैसी डेस्टिनी है वैसा ही डिसीजन आपका वेट कर रहा है, कमिटमेंट से रिलेटेड डिसीजन होगा। वन मोर कार्ड, करंट फीलिंग्स, क्या मिस कर रहे हैं आपको आपके पर्सन, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। यस, मिस तो कर रहे हैं। यहाँ बॉटम से पेज ऑफ वांड्स है, सॉरी पेज ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। और साथ ही साथ वी हैव जजमेंट कार्ड, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। सक्सेस का कार्ड आया है, क्या लौट कर आने की एनर्जी है। यस, जिस सिचुएशन में स्टक थे, जिस सिचुएशन में अटके हुए थे, जिस सिचुएशन में ऑब्स्टिकल्स थे, वहाँ से सक्सेसफुली बाहर निकलने की एनर्जी है, ताकि आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट हो सके। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन आपके साथ अपनी फ्यूचर को इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो होप कीजिए कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। ऐसा फील हो रहा है कि ये जो फुल मून है ये फायर एनर्जी में है, यहाँ अर्थ और फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ये फुल मून बहुत सारे लोगों के लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा, एक्शन लेकर आएगा, और साथ ही साथ यूनियन की एनर्जी लेकर आएगा, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है और यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है। तो जिसके जैसे कर्म हैं फल तो वैसा ही मिलेगा, लेकिन एनर्जीज जो बता रही हैं उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोग जिसके सामने ये रीडिंग आएगी, जब भी आएगी, सक्सेस आपका वेट कर रहा है, सक्सेस एंड यूनियन की एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, क्लेम करें इस रीडिंग को ताकि आपसे ये एनर्जी रेजोनेट करे। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, द फूल की एनर्जी आ रही है, केयर फ्री हैं आपके पर्सन। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है एंजल्स, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, डेफिनेटली सेलिब्रेशन आएगा आपके लाइफ में, क्योंकि दो दो अलग अलग डेक से सेलिब्रेशन आ चुका। वी हैव इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेंगे। वी हैव इंटीग्रेशन, यहाँ यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एंड वी हैव द मास्टर, तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये जो एनर्जी है ये रेजोनेट करेगी, द मास्टर की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के पर्सन जान चुके हैं इस कनेक्शन को, बैलेंस में है, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। थ्री नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस, 3 आवर्स 3 डेज। वन मोर कार्ड, ओके, वी हैव कॉन्शियसनेस एंड बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी इज ट्रस्ट। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, पास्ट लाइफ में भी आपके पर्सन किसी न किसी रूप में आपके साथ थी या थे, और इस लाइफ में भी आप मिले हैं और किसी न किसी पर्पज़ के लिए ही मिले हैं। यहाँ पर कॉन्शियस लेवल से आप लोग कनेक्टेड हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे का जो सोचने का तरीका है वो एक दूसरे की तरह हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आप दोनों में नज़र आ रही हैं। प्लस डिवाइन आपको कह रहे हैं ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए एंड जस्ट लेट गो, सरेंडर टू डिवाइन।
पूरी तरह से अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, हमने आपको सौंप दिया, अब आप जानो। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेंगी, स्पेशली आने वाले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए आज के दिन में। उसके बाद हम लेंगे एंजल्स की तरफ से 2-3 कार्ड्स आपके लिए। आपके पर्सन का पहला मैसेज जो निकल कर आ रहा है वो है चेंज। कुछ चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। सेकंड मैसेज जो आ रहा है वो है हीलिंग। धीरे धीरे ही सही आप दोनों का रिलेशनशिप हील हो रहा है, रिकवरी की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में रिकवरी हो रही है, जितना भी दर्द इन्होंने दिया था उसको अब धीरे धीरे ये खुद दूर करेंगे। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कई लोगों को तूफान नज़र आ रहा हो, बारिश नज़र आ रही हो, कुछ लोगों को बहुत रोशनी नज़र आ रही हो, कुछ लोगों को स्पिरिट एनिमल्स नज़र आ रहे हो, कुछ लोगों को बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अगर आपको हॉरर ड्रीम्स आते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैक हो रहे हैं तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में अभी आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस है, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं साइकोलॉजिकली। फेथ रखें, उन चीज़ों से आप डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। नेगेटिव ड्रीम्स अगर आपको आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तो विश्वास रखें, पॉजिटिव रहें, थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें। प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन। हो सकता है आप में से कई लोग बड़े ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि आपके पास कोई सोलमेट है, आपके पास कोई कार्मिक है, आपके पास कोई ऐसा है जो कि आपको बहुत तवज्जो दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपको पोजेसिवनेस दिखा रहा है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए, और कोई एक है जो आप जिससे आप बहुत प्यार करते हो या करती हो बट वो आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, आप उसके लिए अटके हो और कोई और भी है जो आपकी तरफ है, तो आप कन्फ्यूज़ हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़ हैं, तो एक चीज़ को चुनिए। साथ ही साथ है लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स, यू आर बीइंग ब्लाइंड टू समथिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो आँख बंद करके कुछ ऐसी चीज़ों में फंस गए हैं जिस चीज़ों से वो निकल नहीं पा रहे, इल्यूजन्स में अटके हुए हैं, कुछ ऐसा जो कि पॉसिबल ही नहीं है या कुछ ऐसा जो कि असली में है ही नहीं, बट आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी इल्यूजन का पार्ट है, एंजल्स का ऐसा बोलना है, उससे बाहर निकलिए। करेंट पैटर्न्स आर रिफ्लेक्टिंग नेगेटिव ह्यूमन पैटर्निंग। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनके जो करेंट सिचुएशन है, करेंट लिविंग पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट है, नेगेटिव है, उनको थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। और भी देखेंगे हम 2 कार्ड एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आज के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए। 2 कार्ड आ गए हमारे पास। पहला मैसेज है आपके लिए, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। किन चीज़ों में आप घुसे पड़े हैं, अटके पड़े हैं, क्या करने आए हैं आप इस धरती पर, थोड़ा सा उस पर भी गौर फरमाएं। आप में से एंजल्स कई लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप किन चीज़ों में उलझे हैं, आपका दिमाग किन चीज़ों में उलझा है, भगवान ने आपको जो करने भेजा है उस पर भी थोड़ा फोकस कीजिए। और सेकंड मैसेज है, हैव यू answered योर डीपेस्ट कॉलिंग। आपने क्या जवाब दिया जो कॉलिंग आपके इंट्यूशन आपको दे रही है, आपकी सोल आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही है कई बार बट आप उसको इग्नोर मार दे रहे हैं, तो अपनी डीपेस्ट कॉलिंग को आंसर कीजिए खुद से पूछ के। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस या क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।